subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी, उसमें पाठ 15 खरगोश और हाथी, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे। सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। दूसरा, खरगोश के खाली जगह जमीन के अंदर थे। बिल, खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। तीसरी, जंगल में हाथियों का खाली जगह आया। जंगल में हाथियों का झुंड आया। कुछ हाथी खाली जगह थे। कुछ हाथी शरारती थे। अब प्रश्न के उत्तर, खरगोशों के बिल कहाँ थे? खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। दूसरा, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। खरगोश का सरदार क्या बोला? खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे है। वे हमसे मिलने रोज आते हैं। वे आपसे नाराज है। खरगोश का सरदार बोला,
हम चांद के भांजे हैं। वे हमसे मिलने रोज आते हैं। वे आपसे नाराज है। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चंदा मामा दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहे है। तालाब में चंदा मामा दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। अब वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर ना किनारे भीनी जमीन हती। हम चांद के भांजे है। अमे चंद्रना भाणेज छीए। अब विरोधी शब्द लिखे। नरम सखत बहुत कम गीला सूखा प्रसन्न अप्रसन्न रात दिन नाराज खुश। फिर से हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। जंगल में हाथियों का झुंड आया। कुछ हाथी शरारती थे। प्रश्न के उत्तर। खरगोशों के बिल कहाँ थे? के ससलाओं ना घर क्या होता? खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। ससलाओं ना घर सरोवर ना किनारे भीनी जमीन नी अंदर होता। चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? चंदा मामा पासे कौन माफी मांगी रहियो छे? हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफी मांग रहा है। हाथियों नो सरदार लेके नेता चंदा मामा पासे माफी मांगी रहिया छे। खरगोश का सरदार क्या बोला? के ससलाओं नो सरदार एटले के नेता शू बोलियो? खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे है। वे हमसे मिलने रोज आते है। वे आपसे नाराज है। सरदार नो नेता बोलियो, अमे चंद्रना भाणेज छीए। ते अमने मळवा रोज आवे छे। ते तमारा थी नाराज छे। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तड़ाव मां सू जोवा मळी रह्यु छे। तालाब में चंदा मामा दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। त
તળાવમાં ચંદા મામા જોવા મળી રહ્યા છે. હવાના લહેરોને લીધે ઉપર નીચે થઈ રહ્યા છે. અબ વાક્ય કા ગુજરાતીમાં અનુવાદ કીજીએ. સરોવર કે કિનારે ગીલી જમીન થી, સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી. હમ ચાંદ કે ભાંજે હે, અમે ચંદ્રના ભાણે જ છીએ. વિરોધી શબ્દ લિખીએ. નરમ, સખત, બહુત, કમ, ગીલા, સુખા, પ્રસન્ન, અપ્રસન્ન, રાત, દિન, નારાજ, ખુશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપકો ઇસ પાઠ કી રિક્ત સ્થાન કી પૂર્તિ કીજીએ. પ્રશ્ન કે ઉત્તર, વાક્યો કા ગુજરાતી મેં અનુવાદ ઓર વિરોધી શબ્દ, યહ સભી સમજ મેં આ ગયે હોંગે. ફિર મિલેંગે, તબ તક કે લીએ ધન્યવાદ.